आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में श्रावण महत्तम का 22वां अध्याय सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान महादेव की कृपा से धन, पुत्र, विद्या तथा शारीरिक व मानसिक सुखों की प्राप्ति होती है। महत्तम सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। सनत कुमार ने भगवान सदाशिव से पूछा, हे भगवान, श्रावण शुक्ल चतुर्थी के दिन सर्व काम फलप्रद संकट हरण देवादि देव का किस विधि से व्रत तथा पूजन करें, कब उद्यापन करें, मुझे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। भगवान शंकर ने कहा, चतुर्थी के दिन सुबह उठकर दातुन आदि करके पुण्य दाता शुभ संकट हरण नाम का व्रत करने का संकल्प करना चाहिए और इस प्रकार कहना चाहिए, हे देवेश, मैं आज चंद्रमा के उदय होने तक निराहार रहूँगा, आपकी पूजा कर भोजन करूँगा, मेरे ऊपर आए संकट को दूर करें। इस प्रकार संकल्प कर जल में काले तिलों को मिलाकर स्नान कर गणाधिपति की पूजा करनी चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार स्वर्ण, चांदी या तांबे की गणेश जी की प्रतिमा बनवाएं। यदि इतना ना हो सके तो मिट्टी की प्रतिमा कुम्हार से बनवाएं। पहले अष्टदल कमल के ऊपर घट स्थापित करना चाहिए, उसमें जल भरकर स्वच्छ वस्त्र से उसे ढक दें और उसके ऊपर प्रतिमा रखकर षोडश उपचार द्वारा वैदिक मंत्रों से पूजा करनी चाहिए। शुद्ध घी के तिल के 10 लड्डू बनाएं, उसमें से 5 गणेश जी के लिए रखें, फिर भक्ति द्वारा देवता की भांति ब्राह्मण की पूजा करनी चाहिए और दक्षिणा देकर प्रार्थना करनी चाहिए कि आपके निमित्त इन 5 लड्डुओं को फलों तथा दक्षिणा सहित दे रहा हूँ, आप इन्हें ग्रहण करें, आपत्ति से मेरा उद्धार करें, जो कुछ मैंने द्रव्यहीन कम या अधिक दिया है, हे विप्र रूप गणेश्वर, वह सब परिपूर्ण हो। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। इस प्रकार विधि पूर्वक व्रत करने वाले पर गणेश जी प्रसन्न हो जाते हैं और मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। इस व्रत के करने से विद्यार्थी को विद्या, धनवान को धन और पुत्र की अभिलाषा करने वाले को पुत्र प्राप्त होता है, रोगी को रोग से छुटकारा मिल जाता है। अब मैं तुम्हें पूजा तथा जप के मंत्र बतलाता हूँ। पहले ओंकार शब्द, फिर नमः, फिर हे रंभ, उसके बाद लंबोदर शब्द, उसके बाद संकट निवारण शब्द को चतुर्थ आयांत बनाकर अंत में स्वाहा शब्द कहना चाहिए। मनुष्य को 10 दिशाओं की पूजा करनी चाहिए और इन नामों द्वारा गणेश जी की पूजा करें। उमा पुत्र अग्नाशन, एक दंत दंत वक्र, मूषक वाहन विनायक, ईश पुत्र सर्व सिद्धि प्रदायक, गणाध्यक्ष स्कंद गुरु, सर्व संकट नाशक लंबोदर, गोरे मंगल संभव, धूम्र केतु, भाल चंद्र, असुर मर्दन, विद्या विधान, विकट शूर्पकरण, विघनराट, अग्नाशन, धरणी धराए,
आप मुझ पर प्रसन्न हों, मेरी सभी अभिलाषाओं को पूर्ण करें। हे प्रभु, मेरे शत्रुओं की बुद्धि का नाश हो तथा मेरे मित्रों का अबुद्धय हो। इस प्रकार प्रार्थना करके अष्टोत्तर शत होम करना चाहिए। व्रत की समाप्ति पर गणेश जी के प्रीतार्थ लड्डुओं का ब्राह्मणों को बायना देना चाहिए। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए और कहना चाहिए, रोहिणी सहित मेरे दिए हुए इस अर्घ को स्वीकार करें। तत्पश्चात ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए और फिर स्वयं भोजन करना चाहिए। चार मास तक यह व्रत करने के बाद पांचवें मास में उद्यापन करना चाहिए। साधक को पहले व्रत कुंड की शक्ति के अनुसार प्रतिमा बनवानी चाहिए। प्रथम विधि से पूजा करके सुगंधित चंदन तथा नाना प्रकार के फूलों द्वारा पूजा करनी चाहिए। सूप और पायस दक्षिणा सहित गणेश जी की प्रतिमा वस्त्र से लपेटकर ब्राह्मण को देनी चाहिए। व्रत समाप्ति के लिए पांच सेर तिल देने चाहिए और क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। इस प्रकार उद्यापन करने मात्र से ही अश्वमेघ फल की प्राप्ति होती है। भगवान शंकर बोले, हे सनत कुमार, मेरे कहने से पूर्व पार्वती ने इस व्रत को चार मास तक संकल्प की प्राप्ति के लिए किया था। पांचवें मास में उन्होंने पुत्र कार्तिकेय को प्राप्त किया। महर्षि अगस्त ने समुद्र पान के समय इसे किया था। तीन मास पश्चात उन्हें विघ्नेश के प्रसाद स्वरूप सिद्धि प्राप्त हो गई थी। हे मुनीश्वर, इस व्रत को दमयंती ने 6 मास तक किया था, तभी उसने महाराज नल के दर्शन किए थे। अनिरुद्ध को खोजती चित्रलेखा ने भी इस व्रत को किया था। वाणासुर के यहाँ जाने पर प्रद्युमन व्याकुल हो गए। तब उनसे रुक्मणी ने बड़े प्रेम से कहा, हे पुत्र, मैं तुमसे जिस व्रत को कहने जा रही हूँ उसे ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व समय में तेरे जन्म काल के समय मेरे ससुराल घर से तुझको एक राक्षस चुरा कर ले गया था। मेरा हृदय तेरे वियोग के कारण छलनी हो गया था। मैं रोती थी कि मैं अपने लाल का मुख कब देखूंगी। उस समय जब दूसरी स्त्रियों के पुत्रों को देखती तो पुत्र वियोग से पागल हुई कहती, कहीं यह मेरा पुत्र तो नहीं। इस तेरे वियोग का दुख झेलते हुए कई वर्ष व्यतीत हो गए। तब प्रभु कृपा से हमारे यहाँ लोमेश ऋषि आए। उन्होंने मेरी दशा को देखकर मुझसे संकट चतुर्थी का व्रत करने को कहा। उनकी आज्ञा अनुसार मैंने 4 बार यह व्रत किया। व्रत के प्रभाव से तुमने वापस लौटकर शंभरासुर का वध किया था। अतः यदि तुम भी इस व्रत को करोगे तो अवश्य ही तुम्हारे पुत्र का पता चल जाएगा और वह घर वापस लौट आएगा। माता के आदेश अनुसार प्रद्युमन ने भी गणेश जी के प्रीतार्थ विधिवत इस व्रत को किया। तभी नारद जी ने आकर उनको बतलाया कि अनिरुद्ध वाणासुरपुरी में है। उसी समय प्रद्युमन वाणासुरपुरी में गए और वाणासुर को सैन्य सहित जीतकर अपने पुत्र को पुत्र वधु सहित ले आए। प्राचीन काल में दूसरे देवताओं ने भी विघ्नेश के प्रीतार्थ इस व्रत को किया था। मृत्यु लोक में इस व्रत के समान सिद्धि देने वाला
और कोई व्रत नहीं है, अधिक कहने से क्या लाभ। हे सनत कुमार, इस व्रत का उपदेश नास्तिक और शठ को नहीं देना चाहिए। शिष्य या श्रद्धा युक्त साधु को तुम इसका उपदेश दे सकते हो। हे महामुनि, तुम धर्मिष्ठ विघ्न नंदन तथा मेरे प्रिय हो, इसलिए मैंने तुमको इस व्रत का उपदेश दिया है। इति श्रावण महत्तम 22वां अध्याय समाप्त। बोलो शंकर भगवान की जय। बंधु, भगवान महादेव की कृपा आप पे, आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।